रविवार को शहर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 128वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गोविंदनगर क्षेत्र के मसानी रोड से बाबा साहेब की शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ 100 से अधिक झांकियां भी शामिल रहीं। मेला कमेटी अध्यक्ष, इस बार का मेला हम जो महापर्व जो है जैसे इलाहाबाद में कुंभ मनाया गया, इस अब की बार 14 अप्रैल बाबा साहब की शोभा यात्रा हमारा महाकुंभ की ओर इशारा कर रही है और इसको भव्य तरीके से हमारा पूरा जनबल के साथ जिसमें कम से कम 120 झांकियां बैंड डीजे के साथ सम्मिलित किए गए और कम से कम 20,000 की हमारा जनबल इस शोभा यात्रा में मौजूद है। और मैं सभी सरदारी को बहुत बहुत प्रसन्नतापूर्वक और उनको बधाई देता हूँ जिन्होंने बाबा साहब के सम्मान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जय भीम। शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? शोभा यात्रा हमारी संत रविदास आश्रम से स्टार्ट होती है जो कि डी गेट, भरतपुर गेट, होली गेट और छत्ता बाजार, चौक बाजार होती है, वापस संत रविदास आश्रम पर समाप्त होती है। जो है सब प्रथम मैं मथुरा नगर के समस्त नगर ही नहीं आसपास के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, अम्बेडकर अनुयायियों को शुभकामना देना चाहता हूँ 128वें जन्म दिवस पर जिस प्रकार से जिस उमंग और उल्लास के साथ में वातावरण को सुंदरमय कराया, चांद चांद लगा है, उसकी खुशबू पूरे दुनिया में आज फैल रही है। मैं पुनः मेला कमेटी के अध्यक्ष भाई रामवीर सिंह सहित समस्त पदाधिकारी कार्य समिति के लोग और जनमानस को जो प्रतिनिधि है कोई भी हो किसी प्रकार का हो दलगत भावना से उठकर जो सहयोग दिया है वो अनुकरणीय है और हमेशा इस प्रकार का सहयोग बाबा साहब के विचारों को कार्यान्वित करने के लिए, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।